साथियों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए एनडीए के विरोध में खड़े लोगों के पास ना तो तथ्य है और ना ही उनके पास तर्क है। राष्ट्रहित और जनहित के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध करना, हताशा निराशा का वातावरण पैदा करना, नकारात्मकता नकारात्मकता नकारात्मकता, यही इनकी रणनीति है। भय और भ्रम का माहौल समाज में फैलाने का ही काम इनके पास बच गया है, यही काम रह गया है। इन्होंने भ्रम फैलाया और कैसा कैसा झूठ बोलना और कैसा बड़ी भोले भाले चेहरे के साथ झूठ बोलना और बार बार जहां जाए वहां बोलते रहना। उन्होंने झूठ फैलाया कि एनडीए एससी एसटी आरक्षण को खत्म कर देगी, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मालूम है यही एनडीए सरकार, यही मोदी की सरकार और यही पार्लियामेंट ने 10 साल के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, कई दशकों से सामान्य वर्ग के लोग मांग करते थे कि भाई हम सामान्य वर्ग के लोग हैं लेकिन हमारे में भी गरीबी है, कोई तो हमारी तरफ देखो। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने सामान्य वर्ग की उपेक्षा की। हमने हिम्मत के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% का आरक्षण दे दिया और इस देश में कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई जहर नहीं फैला, कहीं जातिवाद की बलि कोई चढ़ा नहीं, सबको साथ लेकर के इतना बड़ा फैसला किया, सब समाज ने स्वीकार किया। क्योंकि हम एक ही मंत्र को लेकर के जीते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा गई तब भी इन्होंने यही कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बहेगी, भारत और कश्मीर का नाड़ का संबंध कट जाएगा, न जाने क्या क्या बोला। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति से विकास के नए पथ पर अग्रसर है। और इतना ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर के लोग एक ही मांग करते हैं, हर नागरिक एक मांग करता है कि भ्रष्टाचार, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार पनपा है, कुछ ही परिवारों ने जो अनाप शनाप गरीब के पेट से लूटा है, मोदी जी उनको कुछ करो, उनकी सजा करो। कश्मीर से एक ही आवाज उठाई है, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाओ। और मैं कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेरे पर विश्वास रखा है, मैं आपकी लूटी हुई पाई पाई लौटाने के लिए सारे कानूनी तरीकों का उपयोग करूंगा, आपको न्याय दिलाऊंगा। जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब एक साल होने को है, लेकिन क्या किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता गई है? साथियों, झूठ बोलकर लोगों को डराकर ये लोग हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहे हैं, आप लोगों का विश्वास तोड़ते रहे हैं। आज बिहार के सामने एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार में
हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए। दूसरा है एनडीए, जिसने बिहार की सेवा के डबल इंजन की ताकत दी है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार की सड़कों को खस्ता हाल बना दिया। दूसरा है एनडीए, जिसने नए हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरपोर्ट बनाकर बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत की है। और ये कनेक्टिविटी सिर्फ दूरियों को दूर नहीं करती है, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से भी जोड़ती है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया। दूसरा है एनडीए, जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का, जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है। दूसरा है एनडीए, जो किसानों के सम्मान और स्वाभिमान के काम करता है। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने दशकों तक बिहार को 3 मेडिकल कॉलेज के सहारे चलाया। दूसरा है एनडीए, जो बिहार की हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए काम कर रहा है।